नमस्कार, स्वागत है आपको बिहारी प्रतिभा न्यूज में। ग्रामीण चिकित्सकों का मुद्दा में क्या कुछ अपडेट है, क्या उनको समायोजन कब तक मिलेगा, उनका मुद्दा अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुआ, इसी सब मुद्दा पे हमसे चर्चा करने के लिए ग्रामीण चिकित्सक के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रिय रंजन किशोर जी हैं और वीरेंद्र नाथ मौर्य जी, उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ अपडेट है। चलिए बात करते हैं और जानते हैं। सर, स्वागत है बिहारी प्रतिभा में आपका। नमस्कार, मैं पहले बिहारी प्रतिभा न्यूज को नमस्कार करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर प्रिय रंजन किशोर आगामी 9 सितंबर को हमारा एक स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ में एक स्वास्थ्य समागम प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें बिहार के हर कोने से ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु लोग पहुँचेंगे और संख्या बल तो ये समझ नहीं आ रहा है कि कितने आएंगे, लेकिन हज़ारों की संख्या में आएंगे लोग। तो उस दिन हम लोग चर्चा करेंगे और हमें लगता है कि अब हम लोग की मांग हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी समझेंगे, सुनेंगे। क्या लगता है कि ग्रामीण चिकित्सकों का जो मुद्दा है समायोजन का, वो क्या लगता है क्लियर हो जाएगा 9 सितंबर को? ये तो मैं श्योर नहीं करूँगा, लेकिन हमारे देश के, हमारे राज्य के कर्ता धर्ता स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जी में और उन लोग उन्हीं के स्वास्थ्य समागम में अब देखना है कि क्या होता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, मैं आह्वान करूँगा कि राज्य के, बिहार राज्य के हर जिले से, कोने कोने से ग्रामीण चिकित्सक बंधु हजारों के संख्या में आए, तभी जाकर हम लोग की एक ये जो ऐतिहासिक प्रोग्राम सफर। क्या लगता है सर कि ग्रामीण चिकित्सक है ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे तो कहीं ना कहीं मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे दबाव पड़ेगा, यही कहना चाह रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने पे दबाव नहीं होता, आग्रह होता है और लगता है लोगों को कि नहीं संख्या बल है तो जमात की पूजा होगी। कब और कहां होने, ये रविंद्र भवन में होगी 9 सितंबर को। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग 10 बजे से 3 बजे की होगा। आज आप सम्राट चौधरी जी से भी मिलने गए? जी हाँ, सम्राट चौधरी जी से भी मिले और उनको भी निमंत्रण देने गए थे, लेकिन उस दिन खाली नहीं है क्योंकि दिल्ली में उनका प्रोग्राम है पितृ विवाह का, इसलिए वो नहीं आ सकेंगे। लेकिन मैं अभी टाइम है और भी मंत्रीगण से मैं मौजूद रहेंगे, बात करूँगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। सर, आप लोगों का जो प्रोग्राम होने वाला है रविंद्र भवन में, क्या लगता है कि ग्रामीण चिकित्सकों का जो समायोजन का क्या लगता है कि क्लियर हो जाएगा? नमस्कार, बिहारी प्रति और इस बोर्ड, ये तो उम्मीद है बहुत दिनों से बिहार ग्रामीण अधिकार में इस मुद्दा को लेकर लड़ाई लड़ रही है किचू, और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी इस दिशा में, उन्होंने राज्य स्वास्थ्य पाठ्यक्रम का जो NIOS के तहत हर एक जिले में ट्रेनिंग दिवाए हैं, उस सिलसिले में हम लोग 9 तारीख को पूरे बिहार से आह्वान किए हैं कि जितने भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं वो रविंद्र भवन में आए हजारों हजार की संख्या में और माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से भी आग्रह हम लोग करेंगे कि इस दिशा में वो उचित कार्रवाई करें। तो ग्रामीण चिकित्सकों का मुद्दा जो है 9 सितंबर को ख़त्म होने वाला है और ग्रामीण चिकित्सक के प्रदेश अध्यक्ष जो प्रिय रंजन किशोर जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि पूरे बिहार ग्रामीण जो चिकित्सक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रविंद्र भवन में पहुँचे, वहाँ पे एक प्रोग्राम होने वाला है और हम लोग अपना संख्या बल दिखाकर उनसे आग्रह करेंगे कि हम लोगों को जल्द से जल्द हम लोगों का समायोजन किया जाए। आपका क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ग्रामीण चिकित्सक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पटना पहुंच सके रविंद्र भवन में। बहुत बहुत धन्यवाद।